वक्त मैं जा रही हूँ हजरत मारूफ करखी के हुजरे के अंदर, और मैं ख़ुद भी करखी और चिश्ती सिलसिले से हूँ। ये मारूफ करखी का मज़ार है अंदर से। यहाँ बहुत सारी कब्रें भी नसब हुई हुई हैं। ये लड़का है, देखें नक्शो निगारी आयात की। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक, बड़े रश में निकले हुए हैं, इधर उधर जाना आना। अच्छा, मैं आज आप लोगों को लेके चल रही हूँ हजरत मारूफ करखी के हुजरे पे। तो देखिएगा, बहुत अच्छी माशाल्लाह से अल्लाह के वली हैं, और देखते हैं कि बगदाद में इनका जो है रोज़ा मुबारक है, और बगदाद में ही जैसे कहते हैं कि हज़रत बहुत से पाक दस्तगीर फिर अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी मज़ार है। तो चलते हैं और मारूफ करखी के हुजरे में। और मैं ख़ुद भी करखी और चिश्ती सिलसिले से हूँ। मेरे जो पीर व मुर्शिद हैं वो भी हम करखी हैं, बेसिकली आई एम सबा करखी। तो लेट मी शो यू, वेट मैं दिखाती हूँ आपको। रास्ता, ये सारा हुजरे मुबारक बना हुआ है हजरत ख्वाजा बाबा करखी का। लग के अंदर जाते हैं एज यूजल, जिस हुजरे में भी जाएं। ये मारूफ करखी का मज़ार है अंदर से। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से हजरत मारूफ करखी साहब का ये हुजरा मुबारक अंदर का। ये जमात लेकर आए हुए, और ये कोई पीर है आई थिंक, जो पीर है शायद ये कोई अपने मुरीदों के साथ आए। ये देखे कितना खूबसूरत मारूफ करखी साहब का रोज़ा मुबारक। चले गए, इतना सुनना था कि वो दौड़े दौड़े भागता हुआ शराब के नशे में था, और उसके बाद मस्जिद में जो आया और रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, वो मस्जिद से वापस गया नहीं। कई रातें उसकी 40 रातें मस्जिद में गुजर गई, और उसके बाद लोग उसको पुकारने के लिए आए बाहर के, तू बाहर तो आ जा, मस्जिद में जो गया वापस नहीं आता। तब एक गैर से आवाज़ आई कि इसके मुंह को मेरे बंदे ने धुल दिया और मैंने इसके दिल को धुल दिया। सुभानअल्लाह करीम, इन आस्थानों की बरकत से हम सबको भी वो तहारत आमीन। जिसको पानी पिला दें या जिसका मुंह चेहरा धुल दें, अल्लाह ताला बाद में उसी शराबी को जिसके मुतालिक कहा गया है जो शराब के धुंध नशे में पड़ा रहता था, बाद की हालात ये बताते हैं कि वो बगदाद के कुतुब बनते हैं। सुभान अल्लाह, आपने सिर्फ चेहरा धुलाया था, अल्लाह ने उनको मिलाया था। सुभान अल्लाह। ये मकतब खैरात शेख मारूफ करखी, ठीक है जी। यहाँ पे ये लोग खैरात का जो भी मामला होता है वो लोग करते होंगे। इस वक्त तो मैं तो खैर जाने का रास्ता है, लोगों की बसें, कितनी तादाद में लोग आते हैं मोहब्बत करने वाले। यहाँ बहुत सारी कब्रें भी नसब हुई हुई हैं, देखें माशाल्लाह कितने खुश नसीब हैं ये लोग जो औलिया अल्लाहों के पहलू में दफन हैं। सुभान अल्लाह। ये लड़का है, देखें नक्शो निगारी आयात की। मानो यहाँ पे भी ये देखे भाई, माशाल्लाह।
क्या हुआ, क्या चाहिए? क्या चूड़ी चाहिए? वो चूड़ी चाहिए। अच्छा देखिए कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे, और यहाँ पे बेचारे के वालिद वालिदा ने इनको भीख मांगने के लिए बाबाई हजरत ख्वाजा बाबा मारूफ करखी के, तो अब यहाँ से सलाम करके अब दोबारा करबला जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल काफ़ी मेरे लिए मुक़दस इसलिए हो गया कि अल्लाह ताला ने मुझे इन औलिया अल्लाहों के जिसे कहते हैं ना कि दर पे भेजा। दुआ करती हूँ आप सबको भी अल्लाह ने नसीब करे।